नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, जो चाह रहे थे कि शबनम की फांसी जल्द से जल्द हो। मैं बता दूं आपको, मथुरा का जेल तैयार हो चुका है, सज चुका है शबनम की फांसी के लिए, और ये पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि तैयार हो चुका है। पवन जल्लाद ने बहुत ही कम समय में इस फांसी घर को तैयार किया शबनम के लिए, लेकिन इंतज़ार बस एक बात का है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि शबनम की फांसी के लिए जो फांसी घर है वो कैसे तैयार किया गया है, क्या क्या किया गया है इसमें, कितने समय लगा है तैयार करने के लिए। जो फांसी का रस्सी होता है जो गला में लटकाता है, बांधता है जल्लाद, वो कहाँ से लाया गया, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हो और आपको पसंद आ रहे हैं कंटेंट्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और या तो फिर अंत तक जाते जाते लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों कई सालों के बाद, लगभग 14 से 15 साल लग गए शबनम जेल में बंद है, लेकिन फांसी की सजा सुनाने के बावजूद भी अभी तक फांसी नहीं हो पाई है। और इस प्रोसेस में जो कह सकते हैं फांसी की सजा और जो डेथ वारंट इशू, इसमें जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोग जानते हैं कि इसके बाद जब फांसी की सज़ा अदालत सुना दिया जाता है और डेथ वारंट इशू जो होता है, इस दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे कानूनी ऑप्शन होते हैं जो कि फांसी पे लटकने वाला होता है वो इसका इस्तेमाल बखूबी जानता है, और उसे बताया जाता है कि आप ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी भी आपको अगर लगती है कि आप बेगुनाह हो या कोई भी संशय है कानून के जो कह सकते हैं फैसला सुनाया गया है उसके ऊपर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यानी जो गैप है इसको भरने की ज़रूरत है, क्योंकि जब फांसी की अदालत सज़ा सुना दी जाती है उसके बाद गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिला है शबनम केस में, लेकिन अब देर हो चुकी है, अब फांसी का घर तैयार हो चुका है। लोगों की भीड़ जुट रही है मथुरा जेल में, जहां पे लोग जा करके देख रहे हैं कि कैसा होगा फांसी का घर, किस तरह से शबनम को लटकाया जाएगा, कहाँ से शबनम आएगी, किधर से जाएगी, ये सब कुछ दोस्तों अभी एज्यूम किया जा रहा है, माना जा रहा है कि कैसे होगा ये सब नज़ारा, कैसा होगा। लोग अभी से मतलब कह सकते हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डेथ वारंट इशू होगा, कब फांसी पे लटकाया जाएगा। तो लोगों की जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही है, और हमारा चैनल ही आपको सबसे पहले ये सब खबर बताता है, और ठीक 10 बजे आप तक वीडियो पहुँचती है। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे आप लोग, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि कल का इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना सभी कोई, ताकि जो कह सकते हैं कि आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों बरेली जेल से अब जाएगी शबनम मथुरा जेल, जहां पे शबनम को लटकाया जाएगा। दोस्तों ये सब कुछ होने वाला है, ये बस आपको हमारा चैनल ही सबसे पहले बताने वाला है, तो चैनल पे जरूर से जरूर बने रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।